अतएव स्वरितान्त सुब्रह्मण्य शब्दस्य निपातत्वादुदात्तेनो ओम शब्देनो ओमांगोश्च ओमांगो इत्येकादेशः सुब्रह्मण्येवमिति स्वरित इति तस्यादिति सूत्रे भाष्यकयोरुक्तम्। अयोति सूत्रे एकादेशे आदिगुणः इत्यादो दीर्घग्रहण कर्तव्य त्रिमात्र चतुर्मात्रा आदिता माँ भुवन नीति वार्तिक कृतोक्ते अकस्वर्ण इत्यत्र योग विभागेन एकः पूर्वपरयो यो निर्दिष्ट सदीर्घ इति व्याख्याने पचन्ति तत्र दोखमासंख्यैकदेशिनोक्तं स्वरूप रूपग्रहणात् प्रत्यजादेशं रूपम् इत्यादि भाष्ये तत्त्वह्रस्वत्वस्य रूपत्वाभिमानेन सिद्धान्तेन तु स्पष्टार्थमेव रूपग्रहणमिति तत्र भाष्ये सूचितम्। एको गुण इति सूत्रस्थ कैयतस्य चिन्तयेव तत्र हि परिभाषाभावे जनेर्गुणोनुनाशक स्यादि संकेते पररूपेण शुद्धो भविष्यति इति भाष्ये उक्तम्। तस्य मध्युक्तरीत्या उपपत्ते अयोति सूत्रस्य कैयटस्तु पूर्वपक्षयोपपादकत्वान्न स्वार्थ साधक इति दिक्। अत्र तो ददश क्रियाजुक्ता अस्मिन् पक्षे अस्मिन् अस्मिन् विषये जन्य बोध विषय भूत क्रिया विशेष विषयता विषयक तात्पर्य ग्राहकत्वं प्रादीनां तद्धातु रूपितोपसर्गत्वं तेखामिति प्रगतः वृद्धा प्रार्धा इत्यादो गमधातु जन्य बोध विषय भूत क्रिया विशेष विशेष विषयकतया विशेष क्रिया विशेष विषय विषयक तात्पर्य ग्राहकत्वेन प्रशब्दस्य गमधातु निरूपितोपसर्गत्वमेव न तु ऋत धातु निरूपितोपसर्गत्वमिति नो वृद्धि अवपाठेति पूर्वत्र उस्य पदान्तादित्यत्रापि प्रयोजनसत्त्वेनातो गुण इत्येतदर्थत्व प्रतिपादनस्यायुक्तत्वादिति भावः जादिशं रूपमिति रूपमवयव संस्थानं यद्यादिशं परस्य तादृशं यस्य स्वयथा स्यादिति तदर्थः। न जन्यदीयमवयव संस्थान मन्यस्य भवति रूपशब्देनेति रूपवदत्थ केनेत्यर्थः नहि स्वरिति उदात्त स्वादिगुण विशिष्ट उदात्त स्वादिगुण विशेष विशिष्ट वर्णस्तेन गुणेन न रूपवानिति तदर्थः। तथा च अत्र रूपवानिति तदर्थः अत्र अत्र तु वर्णरूपावयव संस्थानम् इति अस्मिन् पक्षे वर्णरूपावयवास्तेखां क्रम विशेष विशिष्ट सन्दर्भ संस्थानम् आनुपूर्वीति यावत् रूपम् अत्राकारः शौच सकाल सकल पदार्थ साधारणो जातिगुणकर्मभ्यस्तत्पदार्थगतेभ्यो विलक्षणो भिन्नो भिन्नः यथा घटादो ततश्च शब्दगतानां शब्दत्वादिजातीनां मानुनासिक्यादिगुणानां च न शब्दाकारता किन्तु सन्दर्भ विशेष विशिष्टानां मयवानामेव निरवयवे वा निरवयवत्वे च तत्तद्व्यक्तिरेकैवाकाराकारभेदेन व्यवदिश्यते यथा गगनादो ततो अनेक वर्णे भी तद व्यवहार विरोध इति। ननु गुणानां रूपत्वाभावे निरुक्तरीत्या तन्निवारणायोगादेक स्थानान्य तारतमत्वात् पाक्षिकी सानुनासिक प्रवृत्ति दुर्बारेत्यत आह पर किं गुणक इत्यादि तस्यैव सिद्धेरिति अस्मिन् विषये। ननु गुणानां एक भेदत्वात् गुणाना गुणानां भेदकत्वात् कथमुक्तार्थलाभस्तत्राह परशब्देन इत्यादि न तु प्रयोगे इति अन्यथा गुणविधायक वैफल्यमेव स्यात्। अतएव ज उदात्ते कर्तव्ये अनुदात्तं करोति खण्डकोपाध्यायस्तस्मै चपेटां ददादिति विद्यान्तिके भाष्यकारेणोक्तमित्याशयः जादृशं रूपमिति अत एतीति सिद्धे गुण
इत्युक्ते रकारे पररूपेण दीर्घा प्रवृत्तिरित्यभियुज्यते वक्तुं सूचितमिति सिद्धान्ते तस्योक्तार्थकतया सिद्धान्ते तस्योक्तार्थकतया आवश्यकत्वे वश्यं चेतदेवं विज्ञेयम् इत्यपि तत्र वदेत् ननु देशविशेषशब्दस्य लुप्तचारोर्थि चातुरर्थिकानन्तशक विशेषणत्वेपि जातिवाचकतया विशेषणां विशेषणानां चा जातिरिति प्रजुदासाद्युक्तवद्भावप्रसक्त्या बहुवचनान्तत्वमयुक्तमत आह नावक्लृप्तो यदेति पाठे न छन्दोभङ्गः तद्रभसादिति वृत्तौ भवमिति व्याख्याने वार्तिक शब्दस्य पूर्वनिपाता निपाता पत्यरित्याहुः। अत्र यहाँ पर जैसे कहा गया है कि वो स्वर्गीय नहीं थी, उपसर्गीय नहीं थी, उपसर्गीय ना अवर्णांत उपसर्ग से धातु वयव इंग परे रहते इंग होता है इतर्थ इंग इंग सूत्र से इन लक्ष्यों का साधित हो जाएगा पर ग्रहण उत्तरार्थ है। परंतु यहाँ पर जो कहा गया है उपसर्गेण